नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का थ्योरी देखेंगे और इसमें हम सारे रेलिवेंट थ्योरी को डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि इसमें क्या सब है। सबसे पहले हम अगर ट्रिग्नोमेट्री के डिफिनीशन को देखें तो ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनीशन है कि ब्रॉडली ये तीन टर्म से बना हुआ है, ट्राई प्लस गॉन प्लस मैट्रॉन। ट्राई मीन्स थ्री, गॉन मीन्स साइड और मैट्रॉन मीन्स मेजर। सो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली थ्री साइड का मेजरमेंट है और जब भी हम थ्री साइड बोलें तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे दिमाग में क्या आता है, एक ट्रायंगल आता है। और ट्रायंगल में भी हम अभी एक खास ट्रायंगल जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा एबीसी ट्रायंगल है जिसका बी राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रिग्नोमेट्री में हम साइड और एंगल में बेसिकली रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं और इसको समझने के लिए हमें एक नया टर्म जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हम देखते हैं इसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम क्यों कहते हैं वो हम देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेट्रिक रेशियोज, तो नाम से ही हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे यहाँ पे हम रेशियो की बात कर रहे हैं। तो अगर हम इस ट्रायंगल में देखें एबीसी में, तो एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और हमारा यहाँ पे छह तरह का रेशियो होता है जिसको हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। साइन, जिसको कि सिंपली हम लोग साइन तरीके से साइन के नाम से लिखते हैं। कोसाइन, जिसको हम लोग सिंपली कॉस लिखते हैं। टेंजेंट, जिसको हम लोग सिंपली टैन ली बोलते हैं। कोटेंजेंट, जिसको हम लोग कॉट बोलते हैं। सेकेंट, जिसको हम लोग सेक बोलते हैं। कोसेकेंट, जिसको हम लोग कोसेक बोलते हैं। अब इसका, इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का अगर हम देखें तो सबसे पहले एक चीज़, उससे पहले हमको समझना ज़रूरी है कि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में बेस हाइपोटेनस हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है। राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेनस होता है, तो उसके लिए कोई डाउट नहीं। बेस और परपेंडिकुलर, चूंकि ए बी और बी सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो दोनों में से कोई भी दोनों में से बेस भी हो सकता है और दोनों में से कोई भी बेस भी हो सकता है और परपेंडिकुलर भी हो सकता है। सो हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा परपेंडिकुलर हो और कौन सा बेस? तो इसका एक सिंपल तरीका है, जैसे अगर हम साइन साइन सी की बात करें,
तो जिस मोमेंट हम एंगल को फिक्स कर दिए, हमारा एंगल सी है, तो हम सी को मार्क करेंगे, यहाँ पे सी को हम मार्क करेंगे, और जिसको हम मार्क कर दिए, जैसे ही हम मार्क करें एंगल को, तो जिस लाइन पे हमारा एंगल जो गिवन एंगल है, जिसका हम रेशियो निकालना चाह रहे हैं, और राइट एंगल है, वो दोनों जिस पे लाई करेगा वो हमारा बेस बन जाएगा, ये हमारा बेस, और बेस के जो परपेंडिकुलर होगा उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो ये हमारा परपेंडिकुलर बन गया। इसको सिंपली हम लोग पी से डिनोट करेंगे, इसको सिंपली हम लोग बी से डिनोट करेंगे, और इसको सिंपली हम लोग एच से डिनोट करेंगे। तो इसी तरीके से अगर हम इसी ट्रायंगल में अगर साइन, तो इसको अगर लिखना हो तो साइन सी को डिफाइन करा जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरीके से ये तो जेनेरिक वर्ड हो गया, लेकिन अगर इसको हम इस ट्रायंगल में लिखना चाहें तो परपेंडिकुलर हमारा है इस साइन सी एंगल के लिए, ए भी हमारा परपेंडिकुलर है, और ए सी, तो ए सी में तो कोई डाउट है ही नहीं, आपको बस ए का ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर हम इसी ट्रायंगल में साइन ए देखना हो हमें, तो जब भी आपको साइन को साइन या कुछ भी देखना हो तो आप एंगल को पहले फोकस कीजिए। अगर ए एंगल है, इसका मतलब हमारा इस ट्रायंगल में ये एंगल हमारा मेन एंगल है, और जैसे ही हमको एंगल पता चला तो एंगल के जिस पे एंगल हुआ वो हमारा बेस हो गया, तो हमारा बेस वाला पार्ट ए बी हो गया, और अगर ए बी बेस हुआ तो परपेंडिकुलर ऑब्वियसली बी सी हो जाएगा। तो जेनेरिक फॉर्मूला जो है वो तो है ही, हमेशा सही है, पी अपॉन एच, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो है बी सी, ना कि ए बी, जैसा कि पिछले केस में था। तो इस तरीके से हम इसका देख सकते हैं। तो अब हम एक बार एक टेबल बना लेते हैं जिसमें सारा एक साथ आ जाए। तो इसमें अगर देखें हम लोग, तो क्या देखते हैं, जैसे एक टेबल बना लेते हैं, सॉरी, हाँ एक टेबल बना लेते हैं सबसे पहले। हमने देखा था 6 हमारे पास रेशियो था, तो ये पी अपॉन एच साइन थीटा कॉस थीटा, पी अपॉन एच बी अपॉन एच और पी अपॉन बी। वैसे इसको आप अलग तरीके से याद कर सकते हैं, लोग बहुत सारा इसके लिए बनाए रहते हैं, जैसे बोलते हैं बहुत सारे लोग कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पर आप कुछ और भी बना सकते हैं। मेरा किसी देश को या किसी को डिनिग्रेट करने का पर्पस नहीं था। ये अगर हम ऊपर की तरफ से देखें तो ये हमारे साइन एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ये कॉस को रिप्रेजेंट करता है, और इसको देखें तो ये टैन को रिप्रेजेंट करता है। इसी के नीचे से देखें, नीचे से देखने का मतलब कि अब न्यूमरेटर एच होगा और डिनोमिनेटर में पी होगा, तो इसका ये होता है कोसेक, अगर ये देखें तो ये सेक, और अगर ये देखें तो ये कॉट। अब हम यहाँ पे एंगल जान के नहीं लगाए हैं, क्योंकि आप एंगल अलग अलग सिचुएशन में, वैसे हम लोग जनरली थीटा वर्ड जो है ये इसको प्रोनाउंस करते हैं थीटा, ये बेसिकली ग्रीक अल्फाबेट का एक वर्ड है। तो ये जनरली एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला पेज लेते हैं, सॉरी, ठीक है। तो अब अगर हम देखें
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारा अगर एक जगह इकट्ठा करके देख ले तो जैसे साइन थीटा बेसिकली पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी, कोसेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा एच अपॉन पी, सेक थीटा ये भी उल्टा हो जाएगा एच अपॉन बी, और कॉट थीटा ये हो जाएगा बी अपॉन पी। तो ये हमारा यही छः ट्रिग्नोमेट्रिक सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। इसके बाद हम एक कुछ इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक इजी एग्जांपल है, हाँ तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन दैट टैन थीटा इज इक्वल टू 4/3। हम एक और ट्रिग्नोमेट्री में आप जब भी क्वेश्चन बनाएं तो प्रेफरेबली आप फिगर जरूर ड्रॉ कर लें, फिगर ड्रॉ करना अच्छा माना जाता है। तो हमारा ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, आप कोई भी नाम ले सकते हैं, जैसे इसको नाम ए दे दिए, इसको बी और इसको सी। क्वेश्चन में बताया गया टैन थीटा दिया हुआ है इतना, फाइंड अदर सॉरी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो हमें टैन थीटा दिया हुआ है, तो टैन थीटा हमें पता है टैन थीटा क्या होता है अपॉन पी अपॉन बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4/3 को लिखेंगे पी अपॉन बी बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं पी अपॉन 4 इज इक्वल टू बी अपॉन 3, बस स्विच कर दिए पी को बी को ऊपर और 4 को नीचे ले आए। ये इज इक्वल टू के, एक कांस्टेंट ले लिए। अब अगर हम पी को लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं 4k, और बी को लिखें तो हम लिख सकते हैं 3k। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, चूँकि हमारे पास यहाँ पे ए एंगल के लिए दिया है, तो हम लोग ये थीटा नहीं सॉरी ये ए एंगल है, ये है टैन ए, ये गलती से लिख, ये टैन ए है। तो अगर इसको मार्क ए है तो मार्क कर देंगे, मार्क करने से हमें पता चल गया कि ये हमारा ए भी हमारा बेस है, और बेस है तो ये हो गया 3k और ये हो गया 4k। पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे इसको यूज़ कर ले तो हो जाएगा ए बी जो है सॉरी ए बी 3k, एक सेकेंड इसको मार्क कर दें, इसको साइड कर लें, प्लस 4k का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9k² प्लस 16k² इज इक्वल टू 25k². तो अगर हम ए सी निकालें तो ए सी हो जाएगा 5k, तो ए सी का वैल्यू हम लिख सकते हैं 5k। तो अब
तो हमें क्या निकला था, हमारा ट्रायंगल जो था वो था, ये था ए, ये ए मार्क करा हुआ था, राइट एंगल जो था वो बी पे था, और ये सी, और ये 5K, ये 3K और ये 4K। अब ए मार्क करा हुआ, तो ये हमारा हो गया बी, सॉरी ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा पी, और ये ऑब्वियसली इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, हाइपोटेनस जो है वो परपेंडिकुलर के सामने का साइड होता है, तो ऑब्वियसली राइट एंगल जहाँ देखा उसके सामने का। तो अब अगर हम लिखना चाहें साइन ए मीन्स ए, सॉरी साइन ए मीन्स बी सी अपॉन ए सी। इससे पहले ये बताना अच्छा रहेगा पी अपॉन एच, पी अपॉन यहाँ पे पी जो है हमारा है 4K और एच क्या है 5K, तो ये हम लिख सकते हैं इसको 4 अपॉन K। के दिखाने लिखने का यहाँ पर्पस ये है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो जैसे हम कह सकते हैं 4, जैसे 4 अपॉन 5 है, ये 20 अपॉन 25 भी 4 अपॉन 5 ही है, लेकिन लिटरल अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो ये 4 और ये 20 दोनों में डिफरेंस है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये रेशियो दोनों सेम ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वैल्यू चेंज हो रहा है, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल जितना होगा उसमें मतलब एंगल का रेशियो जो होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होगा वह सेम आ जाएगा, बट उनका जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो अलग होता है। तो ये इस चीज़ के को दिखा रहा है कि के का वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगा साइड का लेंथ डायमेंशन चेंज होता जाएगा। हम कॉस ए अगर लें, कॉस ए का है बी अपॉन एच, बी हमारा है 3K और एच हमारा है 5K, तो हम 1K के कट 3 अपॉन 5। इसी तरीके से अगर टैन लिखें, टैन ए है पी अपॉन बी, पी है 4K, ये है 5K, तो हम इसे लिख सकते हैं ये। इसी तरीके से अगर हम लिखें कॉट ए, तो कॉट ए हो जाएगा बी अपॉन पी, कॉट ए हो जाएगा बी अपॉन पी, बी है 3K और पी है 4K, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 अपॉन 4K। पी जस्ट साइन ए का इन्वर्स होता है, तो पी अपॉन बी एच जो है वो 5K अपॉन 5K अपॉन 4K इज इक्वल 5 अपॉन 4। और sec A को लिख सकते हैं एच अपॉन बी, तो एच हमारा है, एच क्या है 5K और बी क्या है 3K, तो हम लिख सकते हैं इसको 5 अपॉन 3। अब एक जो गौर करने की बात है वो ये है कि आप साइन ए का वैल्यू देखिए, साइन ए का वैल्यू क्या है 4 अपॉन 5, कॉस ए का वैल्यू क्या है 3 अपॉन 4, तो साइन कॉस का वैल्यू 1 से छोटा है, और ये हमेशा होता है, और इसका ऑब्वियस रीजन भी है क्योंकि हाइपोटेनस जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होगा, या बेस जो हाइपोटेनस होगा वो बेस से भी हमेशा बड़ा होगा, इसी कारण से ये ऑब्वियस है। पर बेस और परपेंडिकुलर में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, और इसी कारण से टैन का वैल्यू छोटा भी हो सकता है 1 से, या बड़ा भी हो सकता है। कॉट में इस केस में कॉट का वैल्यू 3 अपॉन 4 1 से लेस है, बट अगर एंगल चेंज हो तो इसका वैल्यू अलग अलग हो सकता है। अगर हम इसका हम असली रिलेशन यहाँ से देख सकते हैं कि ये बी अपॉन पी है, और बी और पी में कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट हाँ कोसेक और सेक में अगर देखें तो ये रिस्ट्रिक्शन हो गया, क्योंकि एच हमेशा एक ऐसा सिचुएशन होगा जहाँ एच और पी बराबर होगा, जहाँ बेस जीरो हो जाए, तो एच और पी आप खुद देख लीजिए, जैसे पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर पी बराबर बी, एच बराबर पी कब हो सकता है, जब बेस जीरो हो, या पी बराबर बी कैसे, एच बराबर
बी कैसे कब हो सकता है, जब पी जीरो हो, तो ये सब एक स्पेशल केस है। बट जब बी बेस जीरो हो जाए या परपेंडिकुलर जीरो हो जाए तो वो मेरा हमारा ट्रायंगल ही खत्म हो जाएगा, वो ट्रायंगल बेसिकली टू कोइंसाइडिंग साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और उस समय वो ट्रायंगल नहीं रहेगा। तो वो एक हाइपोथेटिकल केस है। तो हम सेफली कह सकते हैं कि एच हमेशा पी से बड़ा या इक्वल होगा, इसका मतलब इसका वैल्यू हमेशा वन के बराबर या वन से ग्रेटर होगा। यहाँ देख सकते हैं हम लोग 5/4, और कोसेक के साथ भी एच हमेशा बी से बड़ा या बराबर होगा, इसी कारण हम कह सकते हैं कि इसका भी वैल्यू वन से हमेशा या तो बराबर या उससे बड़ा होगा। पर बराबर वाला केस हाइपोथेटिकल केस होगा तो उसको वो जनरली नहीं होता है। और ये ठीक है, आज इस लेक्चर में अभी इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाद उसका स्पेसिफिक वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखेंगे कि साइन 30, 45, 60, 90 कैसे कैलकुलेट करते हैं, साइन कॉस टेन सबका। और उसके बाद हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में कुछ देखेंगे और लास्टली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में। और जब पूरा थ्योरी हो जाए उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे जाएंगे, न्यूमेरिक प्रॉब्लम चैप्टर पे। और प्रॉब्लम में दो कैटेगरी करेंगे, दो तरीके से करा जाएगा, दो पार्ट करा जाएगा, इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर और ऑड नंबर को सेग्रीगेट कर दिया जाएगा। और इसका एक पीछे एक रीज़न, अगर आप खुद से ट्राई करें और नहीं समझ में आया या नहीं बन रहा है उसके लिए है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले खुद अटैम्प्ट करें और उसके बाद ही आप सॉल्यूशन को देखें। थ्योरी आप ऑब्वियसली देख सकते हैं, और आप जो भी आपका डाउट या जो भी हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उन्हें उसे देखने का और भी जो भी हो सके। थैंक यू।